सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निगाहें इस बात पर लगी हैं कि भव्य राम मंदिर कैसा बनेगा, उसकी तैयारी कितनी है, कितने दिन में बन के तैयार हो सकता है, मूर्तियां जो लगने वाली हैं वो बनी हैं नहीं हैं, पत्थर कितने तराशे जा चुके हैं, वो सब चीज़ें आपको पता ही चलती हैं। आज मैं यहाँ पर हूँ, राम कथा कुंज है, यहाँ मूर्तियों को बनाने का काम, जो मंदिर में मूर्तियाँ लगेंगी उनका काम बनाने का बहुत दिनों से हो रहा है। अब जबकि फैसला आ गया और ये तय हो गया है कि उस जगह पर राम मंदिर बनेगा तो ये मूर्तियाँ वहाँ पर लगाई जाएंगी। मैं आपको ये बता दूँ कि जो राम मंदिर बनेगा, अभी तक जो प्रस्तावित राम मंदिर बनने की बात है उसमें मंदिर के भीतर नहीं, मंदिर के प्रांगण में ये मूर्तियाँ लगेंगी। इस मूर्तियों के बारे में आपको जानने की दिलचस्पी होगी। इसको बनाने वाले कलाकार बाप बेटे हैं। आपका नाम क्या है? नारायण चंद्र मंडल। और आपका? रंजीत मंडल। तो ये दो लोग बाप बेटे इन मूर्तियों को अब तक बनाते रहे हैं और इन मूर्तियों के बारे में इन्हीं से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप ये कब से बना रहे हैं? ये लगभग 2013 से शुरुआत हुआ है, मैंने मतलब 6 साल हो गया लगभग ये मूर्तियाँ निर्माण करते हुए। तो आप ही दो बनाते हैं और भी कलाकार हैं? नहीं, ये तो हम दोनों ही हैं अभी, लेकिन मैं आया था 1997 में, जब हमारे अशोक सिंह जी लाए थे। 22 साल से यही है। मैं 1997 में तो विश्व हिंदू परिषद में आए थे, उसके बाद 2013 में जो ये मूर्ति का कार्य करने के आदेश मिले। मूर्ति के बारे में आइए आपसे बात करते हैं। ये देखिए, ये दो मूर्तियाँ तो कलर्ड है, इस पर रंग हो चुका है और बाकी अभी ऐसी। हाँ, अभी तो पीछे ऑर्डर हो जाए तब फिर भी रंग करेंगे, हम कलर कर देंगे। अच्छा, तो ये काम धीरा चल रहा था क्योंकि उम्मीद नहीं थी कब आएगा फैसला, कब नहीं होगा। पैसा ऐसा मिलता है? थोड़ा सा मिलते हैं जितना है। देखिए, हम तो मैंने भगवान के लास्ट जीवन में हमारा जो है कम से कम अच्छा काम तो करे। जो अब आप मुझे यहाँ से बताइए कि ये इधर आइए, ये क्या है? ये है पुत्राष्टी यज्ञ। ये पुत्राष्टी यज्ञ है जो मनोरमा नदी में जो हुआ था, जिसमें शांता माता और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ मुनि और दशरथ जी थे, जिनके दशरथ जी के हाथ में अग्निदेव ने खीर दिए थे। उसके बाद फिर खीर दिए थे, उसकी मूर्ति है ये जो बनाया गया है। उसके बाद जो है ये है आपका चार पुत्र के जन्म हुआ। ये चार पुत्र ये राजा दशरथ है, उनके हाथ में भगवान श्री राम जी की और ये उनकी तीन रानियां हैं, और ये उनके हाथ में तीन राम जी है उनके हाथ में। तो ये जो ये मूर्तियां ऐसी आपने बनाई हैं, ये सिलसिलेवार तरीके से पूरी राम भगवान राम के जीवन को दर्शाती हुई हैं। अब ये यहाँ उनका जन्म हो गया। जैसे ये जन्म होने के बाद उनको सो रहे थे, जो उनको जगाते हुए दासी और कौशल्या जी, तो इनका ये पिक्चर जो है मूर्ति में दिखाने का प्रयास किए हैं हमने ये। अच्छा, तो ये जो है इसके बाद आप ये जैसे जैसे रामायण में प्रसंग आते जाते हैं वैसे वैसे ये मूर्तियां बनाई गई हैं। जिसे हमको माननीय चंपत राय जी एक किताब दिए थे छोटा मोटा, रामचरित मानस के एक ऐसे बाल हिंदू परिषद वाले ने। जी, विश्व हिंदू परिषद माननीय चंपत राय जी दिए थे। तो ये है आपका ये गोद में राम, भगवान राम जी है बाल रूप में, उनके माता कौशल्या जी है। ये है आपका विष्णु जी की, विष्णु भगवान है, उनके जो राम जी ने लड्डू चोरी करके खाए थे, उसी लड्डू चुराए करके खाए थे उसके। अच्छा, ये भगवान राम लड्डू खा रहे चोरी चोरी से, वही चित्र एक बनाया गया था, मूर्ति में दर्शाया गया है। तो इस तरह से आप देखिए ये सारे प्रसंग है, और आप अगर बड़े मंदिरों में गए होंगे तो जो मंदिर का प्रांगण होता है उसके चारों तरफ जो लॉन या जो जगह होती है वहाँ ये मूर्तियाँ लगेंगी ना? हाँ, इसका इसके लिए जो है वहाँ से आदेश होगा, जिसे आदेश करेंगे। तो हम लोगों को पता है कि ये जो है राम मंदिर के प्रांगण में लगेगा, और अभी किस तरह इसका स्वरूप होगा इसके विषय में चंपत राय जी और विष्णु परिषद जैसे बताएंगे लोग इसी आदेश। अब ये प्रसंग, ये प्रसंग है आपका शिक्षा लेते हुए वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, तो जो बाल रूप में जो आए थे शिक्षा लेते हुए, ये शिक्षा का ये रूप था, यही दर्शाया गया है। आइए, आए हैं आपका जब थोड़ा आपके पिताजी से भी कहानी पूछते चलते, पता है ना इनको भी? अब ये कौन क्या है? ये है शिक्षा विश्वामित्र जी, जब आए थे तो उसको वशिष्ठ जी आए थे उसका टाइम में शिक्षा दे रहे थे, धनुष की शिक्षा है ये। और ये है विश्वामित्र जी, और विश्वामित्र जो है माने लेके गया है जो ये माने कोई जग नष्ट कर रहा है
इसलिए ये रास्ता से चल रहा है जो तारका को तारका वध किया है। तो ये बताइए, ये जो आप इधर आइए, ये तो पूरा प्रसंग है, कुल 40 प्रसंग है इसमें, कितने प्रसंग है अभी वर्तमान में? 40 है, 40 हो गया, 40 आप 40 बनाएंगे? 40 नहीं, 100 से ऊपर बनाएंगे, 100 ऐसे स्किप 100 से ऊपर बनाएंगे। अच्छा, अभी 40 आपका तैयार हो गया? 40 तैयार हो गया। तो ये देखिए सारी मूर्तियाँ, ये पूरी की पूरी बनाई जा रही हैं, बनी हैं। अब इसमें तेजी की बात आ रही है, क्या आपको उम्मीद है मंडल जी, अब ये कुछ तेजी पकड़ेगा काम? हाँ, ये तो अभी हम लोगों का उम्मीद है कि तेजी पकड़ लेगा ये मूर्तियाँ। हाँ। और आशा है कि जो अभी विश्व हिंदू परिषद से अगर हमको आदेश देते हैं कुछ कलाकारों को बुलाने के लिए, तो हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि और जल्दी से जल्दी तेजी से काम हो जाए और ये मूर्तियाँ वहीं लग जाए। तो आमतौर पर ये जैसे एक है, ये एक स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं, एक स्क्रिप्ट में ये मूर्तियाँ बनी हैं, तो आमतौर पर इसमें कितना खर्च आता है? खर्च के बारे में हमको कुछ पता नहीं है, जो सामान हमको दिया जाता है उसी से बना रहे हैं। ये सीमेंट सरिया गिट्टी जो ढलाई करके बनाया जाता है, स्टील की जालियाँ, और उसके बाद जो है ये कोई मोल्ड का काम नहीं होता है। हाँ। डायरेक्ट हाथों से ही काम कार्य किया जा रहा है इसका। तो ये आप लोगों ने मंदिर और भी पहले बनाए कि ये? मैं मूर्ति का मैंने कहा तो मेरा गॉड गिफ्ट था, छोटे से मैं मूर्ति बना रहा था, और ये जब 5 साल में थे, 5 साल की उम्र से मैं मूर्ति बना रहा था, और अभी भी यही चल रहा है, मेरा गॉड गिफ्ट है, यहाँ पर आके। तो आपने देखा जो मैंने रामकथा कुंज में आपको दिखाया, और भगवान श्री राम के जन्म से लेकर के ये सारे प्रसंग 40 यहाँ तक तैयार हो चुके, यहाँ तक बने, अभी ये अर्ध निर्मित है। ये कौन सा प्रसंग है अभी? यही मारिच के प्रसंग के मूर्ति अभी बन रहा है, अभी बना नहीं है, अभी ये हो जाएगा, अभी ज्यादा से दिन नहीं लगेगा ये वाला हो जाएगा। अभी रावण वध तक पहुँचे नहीं? पहुँचे अभी रावण वध तक नहीं पहुँचे, हम लोग आए हैं सीताहरण तक। सीताहरण तक ये मूर्ति हम लोग तो लगभग ढांचा उचा तैयार है, वो जो ढांचा बना के रखे। अच्छा, सीताहरण तक है? जी, तो अभी तो बहुत कहानी आगे है। आगे है, अभी कम से कम 50 स्क्रिप्ट और बनेगा, लगभग 50-60 स्क्रिप्ट और बन जाएगा। तो ये 22 साल में यहीं तक पहुँचे हो? 22 साल के नहीं है, ये कार्य चालू हुआ है 2013 से, तो 6 साल में यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक पहुँचे, अभी रावण वध भी नहीं हुआ, तो फिर राम के राज्याभिषेक तक कितने साल में बना लोगे? इसके लिए कि देखिए, हमें आप पहले ही बताए, अगर कुछ कारीगर आ जाते हैं, अगर आदेश दे देते हैं, तो अब कम समय में हो ही जाएगा, 2-3 साल में। तो अभी तक ये आपने देखा, ये एक मूर्तियां जो लगनी है, क्योंकि अब राम मंदिर बनना है, तो उसकी तैयारी कैसे कैसे, ये बाप बेटे दो ही के ऊपर ये जिम्मेदारी है पूरे प्रसंग बनाने की। अब उम्मीद है सरकार जब ट्रस्ट बनाएगी, मंदिर बनने का फैसला होगा, कब बनेगा, कितने में बनेगा, कितना समय में तैयार होगा, कैसा बन के तैयार होगा, ये सब आने वाला दिन बताएगा। लेकिन इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, और जितनी तैयारी अभी तक जितनी मूर्तियां बनी है वो आपने अब तक देखी। कैमरामैन संजय के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 अयोध्या।